हाउ मच ब्लॉग पोस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर गूगल एडसेंस अप्रूवल? गूगल एडसेंस का अप्रूवल अगर आप लेना चाहते हो, डज नॉट मैटर ब्लॉगर यूज कर रहे हो, डज नॉट मैटर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हो, मैटर ये करता है कि आपका एक ब्लॉग है, आपकी एक वेबसाइट है, उसके ऊपर कितने आर्टिकल हो गए तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा इजीली। ठीक है, वीडियो को आपने पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो होने वाला है, तो यार वीडियो को अच्छे से आपने देख लेना है, कोई भी पॉइंट यहाँ पे मिस नहीं करना। चलो बगैर टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करें। इसमें मैं आपको बताता हूँ कितने आर्टिकल आपके होने चाहिए कि आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए। ठीक है, चलो यार वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यही कहूँगा, चैनल पे पहली दफा आए हो तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में उन्हें बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियोज आप तक आ सके और आप इनसे फायदा उठा सके। इस सब्सक्राइब के बटन को चाहे तोड़ो, चाहे फोड़ दो या फिर आग लगा दो, मुझे कोई इशू नहीं, चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो यार जब आप एक ब्लॉग क्रिएट कर लेते हो, एक वेबसाइट बना लेते हो, डज नॉट मैटर आपने वर्डप्रेस पे क्रिएट किया है, डज नॉट मैटर आपने ब्लॉगर पे क्रिएट किया है, मैटर ये करता है कि आपने एक ब्लॉग बना लिया, उसके ऊपर कितने आर्टिकल आपके होने चाहिए कि एडसेंस का अप्रूवल आपको मिल जाए। सबसे पहली चीज के डिपेंड ये करता है कि आपके आर्टिकल के अंदर वर्डिंग कितनी है, उसके बाद ये डिपेंड करता है कि आपके आर्टिकल कितने होने चाहिए। गूगल एडसेंस वाले कहते हैं कि आपके आर्टिकल की जो लेंथ है वो मिनिमम 300 वर्ड होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके मिनिमम 300 वर्ड आर्टिकल की लेंथ होगी तभी आप एलिजिबल हो गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए। ऐसा भी है कि कुछ लोगों को विदाउट आर्टिकल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है सिंगल पेज के ऊपर, लेकिन वो एक अलग फील्ड आ जाती है। हम यहाँ पे बात करने वाले एक ब्लॉग की, एक वेबसाइट की, उसके ऊपर एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए कितने आर्टिकल आपके होने चाहिए। मिनिमम 300 वर्ड के अगर आप आर्टिकल लिखते हो तो यार आपको यहाँ पे 40-50 आर्टिकल लिखने पड़ते हैं, यानी कि एक आर्टिकल के अंदर, एक सिंगल आर्टिकल हो उसके अंदर मिनिमम 300 वर्ड आपके होने चाहिए एक आर्टिकल के अंदर, तब जाके आप एलिजिबल होते हो गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए। अब दूसरी बात कर लेते हैं, सपोज आपके आर्टिकल के अंदर मिनिमम 1000 वर्ड है, मिनिमम 1000 वर्ड है आपके एक सिंगल आर्टिकल के अंदर, तब जाके आप इस तरह के 22 या फिर 25 आर्टिकल लिखोगे, फिर आप एलिजिबल हो जाओगे गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए अपने ब्लॉगर के ऊपर, अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, ब्लॉगर ब्लॉग है या वर्डप्रेस वेबसाइट है या ब्लॉग वर्डप्रेस के ऊपर ही आपका ब्लॉग है, कोई इशू वाली बात नहीं है, आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हो। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, शॉर्ट वीडियो इसलिए बना के मैं आपको बता रहा हूँ ताकि छोटी छोटी चीज़ें होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको लगता है ये छोटी सी चीज़ है, कोई इशू नहीं करता, डिपेंड नहीं करती ये छोटी सी चीज़ ना, तो यार ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनका ध्यान रखना पड़ता है गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए। अगर आपके पास गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं है तो यार आपको यहाँ पे अर्निंग ही रिसीव नहीं होती, अर्निंग मिलती नहीं है, मिलनी तो दूर की बात, आपकी अर्निंग बनती नहीं है तो यार आपको कैसे मिले। तो यार आपने ये चीज़ देख लेनी है कि आपने ब्लॉग बनाना है, उसके ऊपर आपने आर्टिकल लिखना, मिनिमम 1000 वर्ड का एक आर्टिकल आपने लिखना है, इस तरह 25 आर्टिकल आपने लिखने हैं, तब जाके आपने गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि आपने आज ही अपना एक ब्लॉग बना लिया, आज ही इसके ऊपर आपने 25 आर्टिकल पोस्ट करके अप्लाई कर दिया, नहीं, आपने ट्राई ये करनी है कि अगर आप चाहते हो फर्स्ट टाइम में ही आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिले, उसके लिए आपने ट्राई ये करनी है कि आपने डेली एक आर्टिकल लिखना है और आर्टिकल खुद लिखना है, कॉपी पेस्ट वाला काम आपने नहीं करना। अगर आप चाहते हो 100% आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिले, उसके लिए आपने सारे का सारा काम खुद करना है, ब्लॉग ही ट्राई करोगे आप उस नीच के ऊपर, उस कैटेगरी के अंदर बनाओ जिसके अंदर आपको नॉलेज है, अगर आप अपना नॉलेज शेयर करोगे वो यूनिक होगा, यूनिक ब्लॉग के ऊपर एडसेंस का अप्रूवल मिलना बहुत ही इजी है, तो आपने ये चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, इस तरह आपने काम करना है और अपने आर्टिकल के अंदर आप लोगों ने मिनिमम 2 इमेजेस यूज करनी है, इमेजेस भी आपने कॉपी पेस्ट वाली यूज नहीं करनी। ठीक हो गया मेरे भाई, ये वो चीज़ें हैं जिनका पता होना आपको बहुत ज़रूरी है, तो बहुत छोटी सी चीज़ लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया। चलो यार वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दो, कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स कर दो, इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ आप तक आ सके। पर्सनली कोई बात करनी है, कुछ पूछना भाई से, इंस्टाग्राम का यूज़र नेम यहाँ पे आ रहा है ProTechTips1 के नेम से, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो।